हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोवेस। और आज की टेक्निक शुरू करते हैं इन्फिनिक्स नोट 4 के मोबाइल से। जी हाँ, कंडीशन यहाँ पे बहुत ही ख़राब हो चुकी है, बहुत ही डल यानी कि डार्क एनवायरनमेंट हो गया बाहर, और इसलिए मेरे अगर 7D से करता हूँ तो बहुत अंधेरा हो जाता है। तो मैं सोचा कि आज इन्फिनिक्स नोट 4 से ही कर लेते हैं। आज का सवाल ये है कि हम सभी लोग जो वो शॉपिंग करते हैं, अभी फिलहाल के लिए सेल सीजन चल रहा है, तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आप कौन सी वेबसाइट प्रीफर करते हैं, कौन से एप्लीकेशन प्रीफर करते हैं शॉपिंग के लिए, चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, उसके अलावा भी जबोंग है, मिंत्रा है, बहुत सारी चीज़ें। मैं अपनी ओपिनियन तो मैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ज़्यादा शॉपिंग करता हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप जो सेल चल रहा है कहाँ से ज़्यादातर वो शॉपिंग कर रहे हैं। कमेंट करिए और मुझे जरूर से जो वो बता दीजिए। तो पहली खबर की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं एप्पल से। अब जब यहाँ पे कुछ दिनों से एप्पल का नाम आ रहा है तो यहाँ पे साथ में एक चीज़ जुड़ चुकी है, वो है बैड न्यूज़। जी हाँ, अब यहाँ पे दो बैड न्यूज़ है आप लोगों को बता रहा था। सबसे पहली जो बैड न्यूज़ है, हम सभी लोगों को पता है कि रिसेंटली यहाँ पे iPhone 8 से i8 Plus से काफ़ी इशूज आ रहे थे, बैटरी जो फुल रही थी, जो जापान, ताइवान, ग्रीस, फ्रांस वगैरह में नोटिस किया गया था। अब यहाँ पे उनकी खुद की होम कंट्री US के अंदर भी ये केस जो सामने आ चुका है। जी हाँ, कुछ यूजर्स ने यहाँ पे ये नोटिस किए और रेडिट के ऊपर अपने कुछ इमेजेस भी जो वो पोस्ट किए थे कि बता रहे थे कि उनके आईफोन के साथ में भी कुछ ऐसे सीन हो रहा है। अब यहाँ पे एप्पल का यहाँ पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट फिलहाल के लिए नहीं आया है, देख लेते कि एप्पल का इस पर क्या कहना है, क्योंकि ये हार्डवेयर इश्यू है और मिलियंस ऑफ डिवाइसेस आईफोन के ऑल ओवर द वर्ल्ड सोल्ड हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के साथ में जो हुआ था वो बहुत बुरा हुआ था, कहीं वो सीन आईफोन के साथ में ना हो जाए। आप देख लेते कि एप्पल इस पर कितना जल्दी काम करता है, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पे काफी सारे इश्यूज जो सामने आ रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसका यहाँ पे जो क्या होता है। अब यहाँ पे दूसरे बैड न्यूज की बात करो तो यहाँ पे हैदराबाद के अंदर, इंडिया के अंदर एक एडवोकेट है जिन्होंने एप्पल को 1,00,000 रुपए के लिए सूट कर दिया, जो भी बोलो। यहाँ पे वो रीजन इसलिए था कि उन्होंने iPhone 6 परचेस किया था, 30,000 रुपए की उन्होंने कुछ पे किया था, और जब फोन उनको जो मिला था वो डिफेक्टिव था, बार बार रिस्टार्ट हो रहा था, बूट लूप इश्यूज हो रहा था, बहुत सारी चीजें उसके अंदर हो रही थी। वो जा रहे थे सर्विस सेंटर में तो सर्विस सेंटर उनको यहाँ से वहाँ से वहाँ घुमा रहे थे, फिर बाद में बोला कि 15 दिन दीजिए, फोन बैंगलोर में भेजेंगे, वहाँ टेस्ट करेंगे, ये टेस्ट करेंगे, और फाइनली यहाँ पे एम्प्लॉय ने कमिट भी किया था कि फोन डिफेक्टिव है। अब यहाँ पे उनको कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं मिल रही है, यहाँ से वहाँ बेचारे भटक रहे, जो हम सभी लोग हमेशा से भटकते ही अगर हमारे फोन में कुछ प्रॉब्लम होता है। ये कोई भी बड़ी कितनी भी कंपनी हो, चाहे वो एप्पल हो, सैमसंग हो, नोकिया, कोई भी हो, भटकना तो हमें पड़ता ही है। तो यहाँ पे फाइनली अब ये कंपनी, ये जो एडवोकेट है, उन्होंने 1,00,000 रुपए के लिए एप्पल को सू कर दिया है। अब देख लेते कि एप्पल का इस पर क्या कहना है, या एप्पल सू करता है या ये सू करे उनको कुछ यहाँ पे मिलता है। तो फाइनली यहाँ पे नोकिया 8 का एक 6GB रैम और 128GB वाला वेरिएंट यहाँ पे यूरोप में जो वो लॉन्च हो चुका है, और इसकी जो प्राइसिंग रखी गई है वो 49,800 रुपीज की वहाँ पे जो वो रखी गई है। और ये जो वेरिएंट है इंडिया के अंदर बहुत जल्दी जो वो लॉन्च होने वाला है, आप लोग हमें जो इंडिया में मिला है वो 4GB और 64GB है, जिसकी प्राइसिंग 37,000 रुपए की रखी गई है। मुझे लगता है कि जो 6GB और 128GB उसकी प्राइसिंग लगभग से 40,000 रुपए के आसपास जो वो हो सकती है, और अगर इस प्राइस सेगमेंट में आता तो मेरे हिसाब से बहुत ही क्लियर प्राइस के साथ में नोकिया 8 का ये फोन जो वो आ सकता है। तो फिलहाल के लिए एक और आपको अपडेट दे देता हूं कि यहाँ पे नोकिया 8 अमेजोन के ऊपर अवेलेबल हो चुका है। अगर आपको परचेस करना है तो आप अमेजोन के ऊपर जाकर जो वो परचेस कर सकते हैं, और कुछ कैशबैक भी मिल रहा है, और आपको जियो के ऑफर्स भी यहाँ पे जो मिल रहे हैं। तो ओप्पो की तरफ से खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि ओप्पो अपना F5 जो है इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है 2 नवंबर की यहाँ पे डेट जो वो सामने आ चुकी है। और यहाँ पे कुछ इमेजेस देखेंगे, कुछ इस तरीके के पोस्टर्स वो हर जगह घुमा रहे हैं, जहाँ पे हमें सेम टू सेम कुछ लग रहा है कि सैमसंग के भी कुछ ऐसे पोस्टर्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओप्पो का F5 जो आने वाला है वो आपको फुल विजन यानी कि वही आपको 18:9 वाला डिस्प्ले जो देखने को मिलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात अंदर से ये खबर आ रही है कि ओप्पो का F5 के अंदर हमें जो स्नैपड्रैगन का 660 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और 6GB की रैम होगी, और इनका खुद का एक AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला फेस आपको सेल्फी मिलेगा, जो ऑटोमेटिकली मैन और वुमेन के हिसाब से अपने फेस को जो वो ब्यूटी मोड मतलब यानी कि ब्यूटीफाई करेगा। देख लेते कि ओप्पो का ये स्मार्टफोन आता है, बस वेट करते हैं कि इसकी प्राइसिंग क्या रखते हैं। प्राइसिंग अगर अच्छी रखते हैं तो हम अच्छा ही बोलेंगे, अगर बुरी रखते हैं तो हमेशा की तरह बुरा ही बोलेंगे। तो अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो यहाँ पे मुंबई गोवा के अंदर जो एयरटेल ने अपनी वोल्टी सर्विस को लॉन्च कर दिया है, और प्रीवियसली हम सभी लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एयरटेल ने अपनी वोल्टी सर्विस लाया था। अगर आप 4G के एयरटेल के सिम कार्ड यूज करते हैं तो आपको अपनी लोकल गैलरी में जाना पड़ेगा और उसको अपग्रेड करवाना पड़ेगा, और काफी सारे जो 4G वोल्टी डिवाइसेस सपोर्ट करते हैं उनके अंदर आप ये सिम डाल सकते हैं। अब फिलहाल के लिए महाराष्ट्र के अंदर बहुत जगहों पर आ चुका है, अब बहुत जगहों पर यानी कि धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया अपनी एयरटेल जो सर्विस लेके आ रहा है, लेकिन साथ में कोई ऑफर नहीं लाया है। अब मुझे पता नहीं एयरटेल ऐसा क्यों करता है, एटलीस्ट ऑफर लेके आता तो लोगों को इंटरेस्ट होता था वोल्टी पे अपग्रेड करने के लिए, तो ये हमेशा से ये कंपनी की प्रॉब्लम होती है। तो जा सकते हैं आप अपने सिम कार्ड को अपग्रेड करा सकते हैं और एयरटेल की वोल्टी सर्विस भी जो वो यूज कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे कुछ डिजिटल इंडिया की। जी हाँ, हम सभी लोगों को पता है कि इंडिया के अंदर काफी चीजें हमारे लिए जो वो डिजिटल हो रही है, लेकिन एक ऐसी भी चीज है जो डिजिटल हो रही है जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर अब से आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन पेट्रोल और डीजल भी जो वो बुक कर सकते हैं। जी हाँ, यानी कि परचेस कर सकते हैं, ऐसी खबरें यहाँ पे सामने आ रही है और ये बात बिल्कुल भी सही है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट इस पर काम तो कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट एक जगह पर आके रुक गई है, वो ये है कि इसकी सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपके घर पर आता है, अगर वो लीक हो गया
तो हम सभी लोगों को पता है कि क्या कुछ हो सकता है, बहुत बड़ा धमाका हो सकता है, आग लग सकती है। और हमारे पास जब घर में आ जाता है तो हम क्या उसके साथ करते हैं, क्या लापरवाही करते हैं, तो हमारे लिए भी जानलेवा हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये स्कीम तो लाई है, ये चीज़ों पे काम तो कर रही है, अब यहाँ पे सेफ्टी के ऊपर ध्यान दे रही है। जब ये कन्फर्म्ड हो जाएगा तो फाइनली आप इंडिया के अंदर ऑनलाइन ही पेट्रोल और डीजल को जो वो बुक कर सकते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। अब ये जब आएगा आप लोगों को जरूर से वो बता देंगे। तो फाइनली यहाँ पे OnePlus ने कमिट किया है और OnePlus ने ये बता दिया कि वो यूजर्स के डेटा को यहाँ पे जो वो यूज़ करते थे, इसका मतलब ये कि जो भी खबरें आ रही थी, एक रिसर्चर्स थे, उन्होंने बताया था कि जो उनका OnePlus 2 का जो वो डेटा एक सिक्योर्ड वेबसाइट पे जा रहा है, और ये फाइनली पता चल रहा है कि वो OnePlus अननेसेसरीली डेटा को यहाँ पे जो वो कस्टमर के यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पे OnePlus ने इस पर कमिट किया और OnePlus ने कहा कि ये जो डेटा हम यूज़ करते हैं ये कोई ना कोई एक बड़ा रीज़न रहता है, इसलिए हम यहाँ पे डेटा जो भी यूज़ करते हैं। हालांकि OnePlus ने ये भी कहा है कि आपको ऑप्शन आता है, आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो हम फ्यूचर में ये काम नहीं करेंगे, OnePlus ने ये भी जो वो कमिटमेंट किया है। तो फाइनली यहाँ पे OnePlus ने बता दिया, अच्छी बात है कि ऑनेस्टी बहुत ही अच्छी चीज़ है जो OnePlus ने बताया। बाकी दूसरी कंपनी जो करती भी है तो फाइनली ब्लेम करती है कि नहीं हम तो ऐसा काम कभी नहीं करते, हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, लेकिन OnePlus ने यहाँ पे अच्छी यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले बताया था कि Razer अपना एक स्मार्टफोन जो वो लॉन्च करने वाला है। अगर आपको नहीं पता है तो Razer एक ऐसी कंपनी है जो ज्यादातर गेमिंग पे फोकस करती है, और ये अक्सर जो कभी अपना स्मार्टफोन नहीं लाई थी। अब यहाँ पे Razer का स्मार्टफोन आने वाला था जो नवंबर 1 को आने वाला है, और यहाँ ज्यादा डिटेल्स यहाँ पे आप सामने जो नहीं आई थी। अब फाइनली यहाँ पे Razer का एक अननोन स्मार्टफोन Geekbench पे लीक हो गया है, और बताया जा रहा है कि स्मार्टफोन के अंदर आपको 5.7 इंच की QHD की डिस्प्ले मिलेगी, 6GB की रैम मिलेगी, और आपको स्नैपड्रैगन का 835 का प्रोसेसर मिलेगा। जी हाँ, बहुत ही एक्सपेंसिव फोन होगा अभी से ही मुझे लग रहा है, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस काफी इसके टॉप नॉच है, और ऑब्वियसली एक गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन करके आप अगर उसको मार्केट में लाते तो आपको ऐसे ही स्पेसिफिकेशन देनी पड़ेगी। उम्मीद करते हैं कि बैटरी अच्छी हो तो काफी अच्छा होगा, QHD की डिस्प्ले दे रहे हैं आप, स्नैपड्रैगन 835 है तो बैटरी एटलीस्ट 4000 के ऊपर देगी तो काफी अच्छा होगा। 1 नवंबर को आएगा, देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि फोन इंडिया में भी आएगा, क्योंकि इंडिया में भी काफी गेमिंग लवर्स बैठे हैं मेरे जैसे, तो जब भी आएगा आप लोगों जरूर से यहाँ पे जो वो बता देगी। तो आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, मैं आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा और आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।